हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ा एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एग्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। दोस्तों, आज है ज़ेब्रा फिंच की जेनेटिक का थर्ड पार्ट। ठीक है, जैसे कि पार्ट वन में हम लोगों ने रिसेसिव के ऊपर डिस्कशन करी, पार्ट टू में डोमिनेंट के ऊपर। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ सेक्स लिंक्ड। ठीक है ना, सेक्स लिंक्ड किस तरह वर्क करती है, इसके क्या थ्रेड्स होते हैं, इससे हम किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, इसमें कौन किसका स्प्लिट होता है, इसमें कितनी म्यूटेशंस हैं, ETC इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी कि वीडियो डले हुए 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन के बाद आज ये वीडियो आज शूट हो रही है, उसके बाद 2-3 दिन और लगेंगे इसको एडिट होने के, फिर ये आएगी। वजह यह है कि एक तो जिन लोगों को पता होगा मेरा जो दूसरा चैनल मैंने जो भी बनाया है, हफ्ता 10 दिन, जिसको 12 दिन समथिंग कुछ हो गए हैं, ठीक है, हुज़ैफ़ा एडवानी ऑफिशियल के नाम से, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, व्लॉगिंग चैनल है मेरा। तो बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे इस चैनल के ऊपर, आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में व्लॉगिंग टाइप की थोड़ी वीडियोस दिखी होंगी, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर इस तरह का कंटेंट डालना अच्छी बात नहीं है, जब इधर हम लोग एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं बर्ड्स की और केयर एंड टेक केयर के बारे से के हवाले से हम बात करते हैं, तो इसके ऊपर हम उसी को लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अपने शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो चैनल बनाया है, ठीक है, और आप लोग विज़िट कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो कहने का मकसद ये है कि मैं उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहा था, जिस वजह से मेरे को स्क्रिप्टिंग करने में, क्योंकि देखें ये वीडियोस डायरेक्टली नहीं बनती, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो बंदा एक वक्त में एक वीडियो के अंदर डायरेक्टली नहीं बोल सकता, तो उसको पूरा स्क्रिप्ट करता हूँ मैं, बैठ के पूरा सोचता हूँ, लिखता हूँ पूरा कि क्या क्या बोलना है, क्योंकि रैंडमली वर्ड्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो आउट ऑफ द पॉइंट्स होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक ये बात थी, दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह जल्द आने वाले वक्त में मैंने इरादा किया है, अभी प्लान किया है, सोचा है, था तो मेरा बहुत पुराना इरादा, मगर अभी मैंने प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर प्लान किया है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कुछ टाइम में मैं लकी ड्रॉ का अनाउंसमेंट करूँगा उन भाइयों हज़रात के लिए जो शौक़ तो उनको बहुत होता है, वीडियोज़ देखते हैं, दिल होता है उनका भी बर्ड रखने का, मगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियली तरीके से भी और दूसरे भी दीगर तरीक़ों से भी। तो इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, किन किन के लिए लकी ड्रॉ होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आने वाले वक्त में आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है ना। पहले प्लान होगा, सब कुछ होगा और डे बाय डे इसके बारे में डिस्कशन जो होती रहेगी वो आप लोग मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर देखते रहेंगे। नाउ अच्छा, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी डोमिनेंट और रिसेसिव के ऊपर, वो लाजमी देख लें। वजह ये है कि देखें मैं टोटली स्टेप बाय स्टेप एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को, इसके बाद ये जब पार्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद डायरेक्टली मैं म्यूटेशंस किस तरह बनती हैं मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा, मगर जब मैं वो वीडियोस डालूँगा तो मुझे पता है कि जिन लोगों ने ये वीडियोस को नहीं समझा होगा, जो स्किप कर रहे होंगे, वो फिर सवाल पे सवाल करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, व्हाट्सअप करते रहेंगे, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं इससे रिलेटेड किसी को भी जवाब नहीं दूंगा जो टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँगा। मेरे पास इतना ट्रिपल चौपल टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और वही जो वीडियो में मैं सब जिक्र कर चुका हूँ वही लोग कॉल कर करके व्हाट्सअप कर करके पूछ रहे हैं, तो भाई बराए मेहरबानी पूरी वीडियोस आप लोग देख लें, ठीक है, आप लोगों को आसानी होगी। तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें ताकि जो मैं इसके अंदर आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को टोटली आसानी होगी समझने में। सेक्स लिंक म्यूटेशन एक्चुअली वो थ्रेट है जिसमें जीन्स सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। वेल, ये सारी साइंटिफिक टर्म्स हैं, ठीक है, मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाऊँगा ताकि देखने वाले जो न्यू फैंसियर्स न्यू कमर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। तो वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास जो सेक्स लिंक म्यूटेशन है जीन्स है, इसके अंदर हमारे पास 4 म्यूटेशंस पाई जाती हैं। इसमें नंबर 1 इज़ लाइट बैक, नंबर 2 इज़ फाउन, जो हम फाउन ज़ेब्रा फिंच देखते हैं, ठीक है, लाइट बैक, मैं आपको पिक्चर्स स्क्रीन पर लगाऊंगा, लाइट बैक फाउन, नंबर 3 इज़ CFW। अब नंबर 4 भी CFW ही है, मगर CFW के अंदर 2 किस्में होती हैं, एक होती है रेगुलर CFW और दूसरी होती है कॉन्टीनेंटल चेस्टनट फ्लैंक्ड वाइट, इसकी फुल फॉर्म है CFW की, ठीक है, और इसके अंदर 2 किस्में, एक रेगुलर है और एक कॉन्टीनेंटल है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे इनके अंदर क्या क्या फ़र्क होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो CFW और जो फॉन CFW और लाइट बैग दोनों एक बहुत मल्टीपल LLX सीरीज़ हैं, जिसमें रेगुलर एंड कॉन्टीनेंटल अगर CFWs को लाइट बैग के सामने क्रॉस कराया जाता है, मतलब साथ में क्रॉस कराया जाता है, तो इनके जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो रिसेसिव की तरफ चले जाते हैं, और जो कॉन्टीनेंटल CFW है वो रेगुलर CFW के सामने रिसेसिव है।
अच्छा, अभी आप लोगों को ये बात ज़्यादा समझ नहीं आई होगी, मगर ये है कि जो मैंने कहा है इसको आप लोग अपने बिल्कुल जहन के अंदर बिठा दें, क्योंकि आगे जाके जब ये बातें जब आगे जाके खुलेंगी तो ये आप लोगों को आगे समझने में बहुत आसानी होगी, और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को अपने जहन में रखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं आगे। अच्छा, तो दोस्तों आज मैं चार की जगह तीन केसेस डिस्कस करूँगा सेक्स लिंग के हवाले से। जो चौथा हमारा केस होगा उसको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करूँगा। वजह यह है कि सेक्स लिंग्ड जो म्यूटेशन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर मैं आज ही की इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन सकती है, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग चौथी जो हमारी वो होगी केस होगा, जो हमारी चौथी पेयरिंग होगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और मज़ीद उसके साथ आगे जो उसकी डिस्कशन रहती है उसको भी मज़ीद करते रहेंगे। तो पहले आप लोग जो मैं आज आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा वो आप लोग अपने जहन के अंदर कॉपी कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों फोर्थ केसेस जो हमारे हैं मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। नंबर वन इज़ एक साइड हमारे पास सेक्स लिंक्ड पार्टनर होगा, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जीन्स के अंदर से पार्टनर होगा। दूसरी साइड हमारे पास जो दूसरी साइड होगा वो होगा नॉर्मल एन जीन, नॉर्मल ग्रे, ठीक है, जिसको कॉमन ज़ेब्रा फिंच भी कहा जाता है। मैं आपको सारे शॉर्ट फॉर्म सिखाता जाता हूँ, शुरू से सिखा रहा हूँ किसको हम क्या क्या कहते हैं। तो एन जी यूज़ करूँगा, एन जी बेसिकली मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सेक्स लिंक जीन्स को समझने में आसानी हो। नंबर टू इज़ हमारा जो दूसरा केस होगा वो होगा हम लोग सेक्स लिंक म्यूटेशन के साथ रिसेसिव म्यूटेशन को पेयर अप करेंगे, और जो हमारा तीसरा केस होगा वो होगा हम सेक्स लिंक के साथ डोमिनेंट को पेयर अप करेंगे, और जो हमारा चौथा केस होगा वो ये होगा कि हम सेक्स लिंक म्यूटेशन के साथ ही सेक्स लिंक म्यूटेशन को पेयर अप करेंगे, और हम इसके अंदर समझेंगे कि जब दोनों साइड पर सेक्स लिंक म्यूटेशंस पेयर अप होती हैं तो हमें रिजल्ट्स में क्या चीज़ें आती हैं। ये पार्ट, ये डिस्कशन, ये केस हम लोग चौथे पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे कि दोनों पार्ट जो हमारे प्रीवियस गुजरे मैंने आप लोगों को उसके अंदर कहा कि आप लोग जो भी पेयरिंग मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल ब्लैक चिक के साथ अगर मैं आपको बीएफ बता रहा हूँ, या ब्लैक चिक के साथ नॉर्मल ग्रे बता रहा हूँ, या पेंगुइन के साथ ब्लैक चिक बता रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों को कहा था इसके अंदर जेंडर मायने नहीं करता। आप कोई भी किसी भी म्यूटेशन की फ़ीमेल और किसी भी म्यूटेशन का मेल यूज़ कर सकते हैं, मगर सेक्स लिंक के अंदर ऐसा नहीं है। सेक्स लिंक मैंने आप लोगों को कहा था, मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगा कि अगर कहीं पर स्पेशली किसी मेल की रिक्वायर्ड होगी या फीमेल की तो मैं आप लोगों को स्पेशली बता दूंगा। तो भाई अब ये जो जीन्स है सेक्स लिंक, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप मेल कौन सा ले रहे हैं और फीमेल कौन सी ले रहे हैं, ठीक है। अगर कि आप सेक्स लिंक म्यूटेशन का मेल यूज़ करेंगे पेयरिंग के अंदर तो आपको डिफरेंट बच्चे मिलेंगे, और अगर आप फीमेल यूज़ करेंगे सेक्स लिंक की अपनी पेयरिंग के अंदर तो आपके पास रिजल्ट में दूसरे बच्चे आएंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे कि हर वीडियो में डिटेल में मैं आपको गाइड करता हूँ, इस वीडियो में भी तो हम लोग दोनों साइड की पेयरिंग को इस्तेमाल करेंगे। अगर मैंने आपको बताया कि सेक्स लिंक म्यूटेशन के साथ अगर हम डोमिनेंट म्यूटेशन यूज़ करेंगे तो पहले हम सेक्स लिंक का मेल और डोमिनेंट की फीमेल यूज़ करेंगे, फिर डोमिनेंट का मेल और सेक्स लिंक की फीमेल यूज़ करेंगे। इस तरह हर मतलब पेयरिंग में मैं डबल आपको गाइडेंस करूँगा कि मेल अगर ये होगा तो ये रिजल्ट आएगा और फीमेल ये होगी तो ये रिजल्ट आएगा। अच्छा जी, जो मेन एक और बात है वो ये है कि सेक्स लिंक म्यूटेशंस के मेल्स खाली स्प्लिट होते हैं, फीमेल स्प्लिट नहीं होती। अगर कोई ब्लैक चिक मेल है, ठीक है, ब्लैक चिक मेल है तो ही वो सेक्स लिंक म्यूटेशन का फोन का या लाइट बैक का या फिर CFW का स्प्लिट हो सकता है। उसमें जो फीमेल होगी, फीमेल सेक्स लिंक म्यूटेशन की कभी भी स्प्लिट नहीं होती, खाली मेल स्प्लिट होता है। ये भी अपने जहन में बिठा लें ताकि अब जो पेयरिंग हम स्टार्ट करेंगे उसमें आप लोगों को समझने में बहुत ईजी होगा। अच्छा तो दोस्तों, हमारा जो जैसे फर्स्ट केस है उसमें हम यूज़ करेंगे सेक्स लिंक्ड प्लस एनजी। जो हमारा सेक्स लिंक्ड है हम लोग उसके अंदर सबसे पहले मेल यूज़ करेंगे, तो हम मेल ले लेते हैं लाइट बैग, ठीक है, आप लाइट बैग CFW फोन कुछ भी ले सकते हैं, रिजल्ट्स आपने यही आने हैं। हम म्यूटेशन की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम जेनेटिक की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लाइट बैग का मेल ले लिया, ठीक है, जो कि सेक्स लिंक म्यूटेशन है, और नॉर्मल ग्रे तो नॉर्मल ग्रे है, ठीक है। अब जब हम लोग इसकी पेयरिंग करेंगे लाइट बैग के मेल के साथ नॉर्मल ग्रे की फीमेल अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास इसमें से दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर से हमारे पास दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें से लाइट बैग और एनजी आएगा, ठीक है। मगर लाइट बैग की हमारे पास खाली फीमेल्स आएंगी, ठीक है, मेल्स लाइट बैग के अंदर नहीं आएंगे, और हमारे पास नॉर्मल ग्रे की फीमेल्स आएंगी, वो भी फीमेल्स मैंने आपको बताया स्प्लिट नहीं होती, तो फोन CFW लाइट बैग किसी की स्प्लिट फीमेल नहीं होगी। और जो मेल आएंगे वो सारे के सारे में नॉर्मल ग्रे हमारे पास आएंगे, मगर वो सब के सब मेल्स जो भी होंगे वो सारे लाइट बैग के स्प्लिट्स होंगे। दोस्तों पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी भी कलर म्यूटेशन में सेक्स लिंक्ड मेल का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो विजुअली हो या स्प्लिट के अंदर हो, तो मेल ही की तरह की आप लोगों को फीमेल्स मिलेंगी।
चाहे वो लाइट बैक हो, अगर लाइट बैक होगा मेल स्प्लिट या फिर विजुअल मेल होगा तो आपके पास फीमेल्स लाइट बैक ही आएंगी, या अगर फोन स्प्लिट या फोन विजुअल मेल आपका लगा होगा तब भी आपके पास फीमेल्स फोन के अंदर आएंगी, या CFW में रेगुलर या कॉन्टिनेंटल कोई भी होगा तो वही उसी ही तरह के आपके पास फीमेल्स आएंगी। सो गाइज, इट्स पार्ट टू ऑफ फर्स्ट केस। ठीक है, पहला केस जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर हमने सेक्स लिंक का मेल और नॉर्मल ग्रे की फीमेल इस्तेमाल करी, वही पेयरिंग हम सेम इस्तेमाल करेंगे, म्यूटेशंस और जेनेटिक्स वही इस्तेमाल करेंगे, मगर इधर हम नॉर्मल ग्रे का मेल इस्तेमाल करेंगे और सेक्स लिंक की फीमेल इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इस इन बर्ड्स को आपस में पेयर करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के चांसेस होते हैं बर्ड्स आने के। हमारे पास जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे नॉर्मल ग्रे आएंगे, ठीक है ना, कोई लाइट बैक नहीं आएगा, मगर जितने भी मेल्स होंगे वो सारे लाइट बैक स्प्लिट्स होंगे, फीमेल लाइट बैक स्प्लिट नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है सेक्स लिंक जीन्स के अंदर बर्ड फीमेल्स स्प्लिट नहीं होती। तो खाली मेल्स जितने भी नॉर्मल ग्रे होंगे वो लाइट बैक फॉन CFW कोई भी होगा उसके स्प्लिट्स होंगे, तो जितने भी मेल होंगे वो सारे स्प्लिट्स होंगे, फीमेल्स स्प्लिट्स नहीं होंगी। तो टू बी नोटेड के हम लोग जब भी सेक्स लिंक फीमेल को, सेक्स लिंक म्यूटेशन फीमेल को किसी भी बर्ड के साथ किसी और म्यूटेशन के मेल के साथ लगाएंगे तो हमारे पास जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे नॉर्मल ग्रे ही आएंगे, बट सारे मेल्स स्प्लिट होंगे, फीमेल्स कुछ भी नहीं होंगे, वो नॉर्मल खाली नॉर्मल बर्ड ही होगा, उसमें कोई स्प्लिट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इन अ सेकेंड केस हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने आप लोग को बताया था सेक्स लिंक के साथ हम लोग रिसेसिव को पेयर अप करेंगे, तो हम लोग इसके अंदर फॉर एग्जांपल सेक्स लिंक का मेल ले लेते हैं जिसमें हम लाइट बैक मेल ले लेते हैं और फीमेल हम लोग रिसेसिव के अंदर से ब्लैक चिक ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब इनको आपस में पेयर करेंगे तो इस पेयर में से हमारे पास दो टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, नंबर वन इज NG मेल्स एंड NG फीमेल्स, नॉर्मल ग्रे मेल्स एंड नॉर्मल ग्रे फीमेल्स। नंबर टू इज लाइट बैक फीमेल्स। तो ये दो टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हमें आएंगी, बट आप लोगों को पता है कि जो ब्लैक चिक है एज आवर लास्ट प्रीवियस वीडियो, ठीक है, जो रिसेसिव के ऊपर हमने डिस्कस करी थी उसमें आप लोगों को पता था कि रिसेसिव जीन्स है, ठीक है, ब्लैक चिक उसका क्या तरीक़ेकार होता है, उसमें क्या वो अपना वर्किंग करता है। तो इसी तरह जितने भी बच्चे हमारे पास आएंगे, ठीक है, चाहे वो लाइट बैक हो या चाहे वो नॉर्मल ग्रे हो, सारे ब्लैक चिक के स्प्लिट्स होंगे, ठीक है, मगर जो मेल्स होंगे वो खाली ब्लैक चिक के स्प्लिट नहीं होंगे, ब्लैक चिक के स्प्लिट के साथ साथ वो लाइट बैक के भी स्प्लिट्स होंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो है सेकंड केस का सेकंड पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम जेंडर चेंज कर देंगे, पेयरिंग म्यूटेशंस वही रखेंगे, ठीक है, सेक्स लिंक के साथ हम रिसेसिव को ही लगाएंगे, मगर हमने पहले सेक्स लिंक के मेल के साथ रिसेसिव की फीमेल लगाई, तो अब इधर हम रिसेसिव का मेल यूज़ करेंगे, मतलब ब्लैक चिक का मेल यूज़ करेंगे, और सेक्स लिंक की फीमेल यूज़ करेंगे, मतलब लाइट बैक की फीमेल यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस पेयरिंग से हमारे पास सारे के सारे बच्चे नॉर्मल ग्रे आएंगे, ठीक है, ना कोई ब्लैक चिक आएगा ना कोई लाइट बैक आएगा, सारे बच्चे हमारे पास नॉर्मल ग्रे आएंगे। बट एज यूजुअल हमेशा की तरह हमारे पास सारे जो नॉर्मल ग्रेज होंगे, फीमेल मेल सब के सब ब्लैक चिक के स्प्लिट होंगे, मगर सिर्फ मेल जो होंगे वो ब्लैक चिक के साथ साथ लाइट बैक के स्प्लिट्स होंगे। ठीक है, अगर आप लोग लाइट बैक की फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही पेयरिंग के अंदर ही फीमेल लेके आना चाहते हैं, बच्चों के अंदर लाइट बैक लाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को ज़रूरी है लाइट बैक मतलब सेक्स लिंक म्यूटेशन का मेल यूज़ करना। ठीक है ना, चाहे वो CFW लाइट बैक फोन कोई भी हो, सेक्स लिंक अगर आपका मेल होगा तो ही आपकी पेयरिंग में से फीमेल्स विजुअली आएंगी, अदरवाइज बच्चे खाली नॉर्मल आएंगे, मेल्स जो होंगे वो स्प्लिट्स आपके पास आएंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग रिसेसिव और सेक्स लिंक जीन्स को आपस में क्रॉस करके बहुत सारे मुख्तलिफ कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे हम लोगों के जेनेटिक्स समझ जाएंगे, इससे पहले हमें जेनेटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप लोग सब जेनेटिक के बारे में सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग सारी म्यूटेशंस किस तरह बनाते हैं, किस तरह अलग अलग डिफरेंट म्यूटेशंस बनाते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड केस। ठीक है, इन दिस केस वी विल पेयर सेक्स लिंक्ड जीन्स प्लस अ डोमिनेंट जीन्स। ठीक है, हम लोग सेक्स लिंक्ड के अंदर हम लोग ले लेते हैं लाइट बैक, वापसी लाइट बैक की सीरीज चल रही है तो लाइट बैक ही ले लेते हैं, लाइट बैक मेल एंड अदर साइड फीमेल हम लोग ले लेते हैं ब्लैक फेस की, डोमिनेंट म्यूटेशन के अंदर से ब्लैक फेस की। अब जो ये पेयरिंग है इसमें से हमारे पास चार टाइप की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, नंबर वन इज NGs, ठीक है, NGs मेल एंड NGs फीमेल्स। नंबर टू इज ब्लैक फेस मेल्स एंड ब्लैक फेस फीमेल्स। नंबर थ्री इज कि हमने सेक्स लिंक का मेल यूज़ करा था तो फीमेल्स सेक्स लिंक की फीमेल्स ही आएंगी, हमारे पास लाइट बैक की फीमेल्स आ जाएंगी। नंबर फोर इज हमारे पास जो बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक फेस एंड लाइट बैक।
लाइट बैक बर्ड होगा, उसके साथ ब्लैक फेज होगा, एज यूजुअल रेयर म्यूटेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये ऐसी पेयरिंग है सेक्सलिंग की कि आप इसी के अंदर फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही दो डिफरेंट जीन्स का आपस में कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। और दोस्तों उसी के साथ साथ आपके पास इस पेयरिंग से जितने भी मेल्स आएंगे लाइट बैक ब्लैक फेस की आपके पास फीमेल्स आ गई, ठीक है, लाइट बैक की फीमेल्स आ गई आपके पास, और आपके पास नॉर्मल ब्लैक के मेल आ गए, और नॉर्मल एनजी नॉर्मल ग्रे के मेल आ गए, नॉर्मल ग्रे की फीमेल्स आ गई, ब्लैक फेस के मेल आ गए, ब्लैक फेस की फीमेल्स आ गई। अब जितने भी मेल्स इस पेयरिंग से आपके पास आएंगे ना, वो सारे के सारे लाइट बैक के स्प्लिट्स होंगे, फीमेल्स स्प्लिट्स वगैरह कुछ नहीं होंगी। तो दोस्तों अब जो है हमारा थर्ड केस का पार्ट टू है, ठीक है, कि जब हम लोग नॉर्मल ग्रे सॉरी जब हम लोग सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट के ऊपर थे, जब सेक्स लिंक का हमने मेल यूज़ करा तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आया मैंने आपको बता दिए। इस पेयरिंग के अंदर हम लोग ब्लैक फेस डोमिनेंट का मेल यूज़ करेंगे और उसके साथ में सेक्स लिंक की मतलब लाइट बैक की फीमेल यूज़ करेंगे। तो एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है इस पेयरिंग से हमारे पास सारे के सारे बच्चे नॉर्मल ग्रे और सारे के सारे बच्चे ब्लैक फेस आएंगे, ठीक है, मतलब ब्लैक फेस के मेल फीमेल्स आएंगे और हमारे पास एनजी के ब्लैक मेल फीमेल्स आएंगे, ठीक है। मगर इसके अंदर जो सारे मेल्स होंगे वो लाइट बैक के स्प्लिट्स होंगे, सेक्स लिंक म्यूटेशन के स्प्लिट्स होंगे, और फीमेल्स नॉर्मल होंगी ब्लैक फेस और एनजी, ठीक है, फीमेल्स में स्प्लिट्स नहीं होंगे, खाली ब्लैक फेस स्प्लिट लाइट बैक एलबी एनजी स्प्लिट एलबी, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो मैंने कोशिश करी छोटी बनाऊं, ठीक है, बहुत सारी वो वीडियोस लंबी हो गई, देखें ये वीडियोस तो थोड़ी लंबी होंगी क्योंकि ये आप समझें आप लोगों को यकीन नहीं होगा, ये जो चैप्टर्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, लोग इसके पूरे पूरे वर्कशॉप रखते हैं, फिर उसके अंदर पैसे लिए जाते हैं और पूरी पूरी दो दो तीन तीन घंटे की क्लासेज होती हैं। इधर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग यकीन करेंगे, आप लोग समझते हैं चैनल से बहुत अर्निंग होती है वगैरह सब, इतनी मेहनत खुदा की कसम खा रहा हूँ, मेरी है ना ज़ेबरा फेंस की कॉलोनी वाली वीडियो जो है ना वो 2 से 3 दिन के अंदर 10K व्यूज़ के ऊपर चले गए, 10,000 व्यूज़ उसके ऊपर आए, अल्लाह गवाह है उसके ऊपर, खाली $1.5 की अर्निंग मुझे हुई है, अभी मेरा मोनेटाइज हुआ है, वो तो 2 साल से तो मोनेटाइज भी नहीं था, अभी हुआ है, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी खाली अर्निंग शो कर रहा है। तो आप लोग यकीन करें कोई इतनी अर्निंग वगैरह ये कोई सिलसिले नहीं होते, आप लोगों से मोहब्बत होती है, शौक होता है तो हम टाइम लगाते हैं, ठीक है, और अर्निंग वगैरह उस वक्त होती है जब आप बहुत ज़्यादा टॉप क्लास पर चले जाएँ, ठीक है, आपकी हर वीडियो पर डायरेक्ट शूट करते हैं हज़ार मतलब लाखों व्यूज़ डायरेक्ट आते हैं, तो फिर आपकी अर्निंग का कोई अच्छा ज़रिया बन सकता है कि आप ये कह सकते हैं मैं फुल टाइम इसको कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं भाई, पूरे आप समझो पूरे मेरे को महीने में ना कुछ $10-12 की अर्निंग हुई होगी, इतनी वीडियोज़ इतनी मेहनत करने के बाद $10-12 $1,500-2,000 रुपये, यार इतना तो 2 दिन का खर्चा भी नहीं है हमारा, समझ रहे, 1 दिन में इतने खर्चा निकल आता है घर का अपना। तो कहने का मकसद ये कोई इतना कोई बड़ी बड़ा कोई ज़रिया नहीं है, ये सब आपसे मोहब्बत है, इसलिए आप लोगों को सबको समझाता हूँ, बताता हूँ, गाइड करता हूँ जितने मेरे इल्म में होता है, और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी कहता हूँ आप लोगों के जो भी इल्म में हो वो कमेंट में लाजमी शेयर किया करें ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो, ठीक है। तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को आप लोग विज़िट करिएगा, वहाँ पर आप लोगों से रोज़ाना मुलाकात होती रहेगी, बातें होती रहेंगी, और वहाँ पर असल शौक दिखाया जाएगा, यहाँ पर टोटली गाइडेंस वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सलिंग के साथ सेक्सलिंग को लगा के, ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आने वाले वक्त में पहले पूरा चैप्टर जेनेटिक का क्लियर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे म्यूटेशंस किस तरह बनाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा 5-5 मिनट की, 4-4 मिनट की, 6-6 मिनट की, उसके अंदर हर एक एक म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत करी है, ठीक है, तकरीबन 7-10 दिन की मेहनत हो चुकी है, अभी 4-5 दिन की और मेहनत होगी, कुल मिला के 10-12 दिन की मेहनत के बाद ये वीडियो आप लोगों के सामने आएगी। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मिलके और वीडियो को देख के। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।